तो यार इनमें से हम दो दे रहे हैं और दो हम अपने पास रखेंगे। अब दो कोर्सी वाले हम अपने पास रखेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन मैं वो बंद कर, अच्छा नहीं कर रही यार तुम। हाँ हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। धूप बहुत ज़्यादा आपसे मेरी बंद हो रही है और इतना शोर कर रही है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बोलूँ क्या, पकड़ो, मैं पकड़ती हूँ, रुक जाओ। इनमें से दो कौन से वाली दे रही है? मैं कहती हूँ एक छोटी और एक दूसरे वाली दे देते हैं। हाँ बाकी दो हम बड़ी दो हम अपने अपने पास रखेंगे, बड़ी वाली हम अपने पास रखेंगे, दो छोटी दे देंगे। इसलिए यार, इसलिए चार हमसे संभाली नहीं जाती, दो ठीक है, दो को हम किसी ना किसी तरह से हैंडल कर लेंगे और दो दे देते हैं। हाँ पकड़ो, ये डंडा लेके आऊंगी, ये डंडा लेके आऊंगी ना। हाँ इसके जरिए एक को कंट्रोल करूंगी, दूसरा हादी तुझे काटी कर लेंगी। तो अलमास एक हमने ये डस्ट भेजनी है। हाँ। और एक जो हमने बच्चा पाला था ना वो भी। हाँ तो वो तो बहुत शोर करता है इनके साथ। हाँ बस दो रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं यार, कितनी प्यारी डस्ट। तुम जा रही हो लेकिन खैर कोई नहीं, तुम जहाँ जा रही हो हम वहाँ तुम्हें देखने भी आया करेंगे और तुम्हारे तुम जल्दी जल्दी वहाँ पे बच्चे देना, अंडे देना, फिर हम तुम्हें देखेंगे। उधर इसके लिए ना वहाँ पे तालाब भी है, वहाँ आसानी से रहेगी। चलो इसको करो, इसका बंदोबस्त जो भी करना है। प्यारी है। चलो मैं फिर टोकरी लेके आती हूँ, उसमें डालते हैं। कब जैसे ये तो फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। कौन से वाला मेल दूँ? एक ही मेल है वो। नहीं मेल दो हैं। ओए इतना शोर कर रही है यार, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन खैर यार देना है क्योंकि बहुत ज्यादा शोर करती है और हमारे मोहल्ले वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर हम बहुत जल्द जब यार ये मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे काट ही ना ले। वैसे फीमेल बहुत कम काटती है, मेल ही ज्यादा काटते, फीमेल इतनी नहीं काटती। इस टोकरी में भेजेंगे, इसमें नहीं, इसमें भेजेंगे, इसमें ये प्लास्टिक वाले में, इसमें हवा वगैरह लगती जाएगी, इसके अंदर हम भेजेंगे। एक मिनट रुको चाचा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ ना, खोलती हूँ। चलो जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। यार ये बच्चा इतना मुझे जलील करता है, जब भी मैं ऊपर आती ना पहले तो मैं आती हूँ छुप के, लेकिन अगर छुप के ना भी आऊँ ना फिर क्या था, दोस्तानी मुझे साथ लेके जाओ। अब देखिए उसके काम जरा चेक कर लो ये ऐसे यहाँ पे पंगे लेता मेरेगा, फिर आराम से अपने घर चला जाएगा। जब यहाँ पे कुछ कर लेगा, किसी को डंडा लग जाएगा, फिर आराम से पता भी नहीं चलेगा और नीचे को चला जाएगा। ये नज़र आएंगी क्योंकि दो हमने वापस भेज दी और अलमास गांव जा रही थी तो उसने कहा कि मुझे दे दो। चल 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 यार, ये देखिए इसने डंडा ढूंढ लिया ना, मैंने छुपा के रखा हुआ था इससे डंडा। काम चेक करे उसको, उसको कर। ओ ये क्या कर दिया आपने अब्दुल्ला हाथ चाची, ये क्या किया आपने? अरे इसकी एक तो मुझे समझ नहीं आती, क्या मुनी यार ये क्या बोल रहा है ये इससे पहले ये कुछ करे मैं इसको नीचे छोड़ के आती हूँ इसकी मम्मा पास और फिर यहाँ पे आके काम वगैरह करती है। वैसे गाइस एक बात है, जितना चार का था ना शोर, अब शोर बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, बस हमने ना सिर्फ ये दो रख ली क्योंकि ये एग्रेसिव भी है और वैसे भी बिल्ली वगैरह हमारे सेटअप के ऊपर आए ना तो उनके पीछे लग जाता है और हमें बर वक्त फिर पता भी चल जाता है, तो इसलिए हमने इसको रखा और अपना छोटे वाला जो मेल था उसको गाँव भेज दिया। लेकिन फिर हम उसको देखने जाएंगे कि वहाँ पर वो जिस माहौल में उसको रखा वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। गंजी ये गंदा पानी पी रही हो यार, मैं पानी बदल देती हूँ यार, मैं अच्छा पानी देती हूँ, अच्छा पानी देती हूँ तुम्हें। यार इसने एक दफा एक अंडा दिया था, अब मुझे नहीं पता। ओए अबे भाई क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा, रेड रेड अपनी आंखें निकाली। ओए ओए तुम लोग रहो इधर, ये एक दफा गाइस मैंने इनको यहाँ पे छोड़ दिया, ये हमारी रफ एंड टफ सी छत है तो ये यहाँ पे रहें इससे पहले ये फ्लाई करके नीचे जाएं और घर में मेरी अम्मा स्टार्ट हो जाए। पिशू ले जाओ वरना ये भी मैं देती हूँ,
यार आराम आराम से रहो, आराम आराम से। इससे पहले कि हमारी अम्मी हमारे साथ कुछ करे, यार तुम क्यों जाना चाहती हो? मैं तुम्हें देना नहीं चाहती, तुम इधर ही रहो। तो चलो अब मैं चलती हूँ। ये मुझे देख के ऐसे शोर करती रहेंगी, मज़ीद ज़्यादा कर लेंगी, तो मैं क्या करती हूँ, इनको पानी वगैरह और इनका दाना डाल देती हूँ, फिर बाकी परिंदे भी अपने आज़ाद कर देती हूँ। पानी चलो ये लो गंजी, आराम से खा लो यार, तुम मेरे हाथ से खाओ ना। इंशाल्लाह यार इसका साइज बहुत छोटा है गाइस, इसका साइज बहुत ही छोटा सा है। इसने अंडा तो दिया था एक दिन, अब बाकी दिन मुझे इसका इसने दिया ही नहीं। इसने मुझे लगता है अंडे बंद कर लिए, सिर्फ एक ही अंडा तुमने देना था। मुझे लगता है हीर की तरह मुझे तुमसे भी अंडे मांगने पड़ेंगे, मांग मांग के फिर तुम दोगे। और पता नहीं यार ये कुड़क भी होती है या नहीं, लेकिन जिनसे हमने ली थी उन्होंने यही कहा था ये कुड़क होंगी। अब लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी सबसे प्यारी खूबसूरत मुर्गी, छोटी सी है, सबसे पहले ये छोटी है, फिर ये देखिए इसका मुंह देखिए कितना छोटा है यार, इसका यार मुंह देखिए कितना छोटा सा। अरे यार खाओ खाओ खाओ, उधर नहीं जा रही। चल यार, तो ये मैंने खाना इनको डाल दिया, यहाँ से आराम सुकून से खाएंगे। और अब हम अपने बाकी परिंदों वगैरह का डाल देते हैं। डक्स का खाना हमें ख़ास तौर पे पानी के अंदर देना पड़ेगा, तो वो मैं दे लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपने परिंदे जो बंद किए हैं उनको आज़ाद कर देते हैं। सफाई करने वाली यहाँ से निकली है, लेकिन कोई नहीं, अभी तो गाइस शाम हो चुकी है, अब सुबह ही सफाई करूँगी आराम सुकून से, बस ये अंदर अंदर। बाहर की तो सफाई हमने कर ली थी, सुबह ही कर ली थी, लेकिन अभी बस यहाँ की करनी। और ये देखें इन मुर्गियों को इतना पसंद है ना कि ये, अब लो तुम भी आ गए अंदर। यार इनके लिए बाहर मैंने अच्छा खासा दाना छोड़ा हुआ है। ये देखो गुना फॉल हमारी लड़ रही है यार, ये इतना एग्रेसिव मुर्गा है ना कसम से। ये देखें अभी अभी मैं अभी देख नहीं रहा, ये अभी ये खा अभी ये देखें खाने पे मगन है। कल मैं इसको खाना डाल रही थी और ये देखें यहाँ पे इसने मुझे काट लिया, मतलब मैं इसको ऐसे करके खाना दे रही थी और इसके अल्लाह माफ़ करे, इतने बड़े बड़े इसके नेल है। ये चेक करें, अबे रुक जा, देखिए गाइस इसके आप नेल चेक करें यार, इसके नेल आपको नज़र आ रहे हैं कितने बड़े बड़े। मुझे तो डर लगता है क्योंकि इसने मुझे 2 से 3 दफ़ा काटा है, एक दफ़ा मेरे पाँव पे काटा था और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़ोर से काटा था, और अब कल यहाँ पे काट लिया इसने। अब मैं खाना इसको दे रही थी लेकिन नहीं, तो अब हमें इसका भी कुछ करना पड़ेगा यार कि हम इसको दे दें, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं तो इस वजह से बहुत है। फिर मेरे पापा जो हैं वो डांटते हैं क्योंकि शुरू में क्या काम स्टार्ट किया हुआ, तो इस वजह से यार फिर मैं अभी सोचती हूँ, और मास जब गांव से वापस आएगी तो फिर हम इसका डिसाइड करेंगे कि इसके साथ हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं यार ये देखें ये देखें अभी क्या करती हूँ, उसका पानी वगैरह बदल देती हूँ। तो हाँ भाई दिन हो गया मैंने कोई अंडा नहीं देखा, तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि इन्होंने अंडे वगैरह कितने दिए हैं। वैसे तो रोज़ ही देती होंगी क्योंकि इनको हम खुराक प्रॉपरली दे रहे हैं, वैसे भी गर्मी है तो गर्मी के अंदर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो अंडे तो देती होंगी। तो ऐसा होगा कि हमारे घर वाले मेरे घर वाले उठा के लेके चले जाते होंगे, जिसमें से एक हमारी वन एंड ओनली सिस्टर अलमास, उसको तो पता नहीं क्या है ऑमलेट, तो उसको अंडा मतलब उसको यहाँ नज़र आएगा ना वो लेके नीचे चले जाएगी कि किसी कहीं कहीं किसी मुर्गी के नीचे ना रख ले। तो अभी हम वो देख लेते हैं, एक दो अंडे। ओए गंजी रुक जा, गंजी ओए गंजी यार ये देखे 2 अंडे ये हैं, मज़ीद देख लेते हैं। उधर उधर तो कोई अंडा नहीं है, यहाँ पे भी छुप के देती हैं, तो इसको देख लेते हैं। हाँ ये रहे अंडे, तो 2 अंडे ये टोटल आ। ओए गंजी क्या कर रही हो, इसको नहीं खाते होते? अरे मुझे लगता है मुझे ना प्लास्टिक के अंडे लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि ना ये मैंने देखा है गंजी इसके ऊपर लगा रही थी। और ये देखिए हमारे हाथ में गाइस, वही टूट ही ना जाए कहीं अंडे। तो ये देखिए गाइस हमारे हाथ में 4 अंडे हैं माशाल्लाह। तो बस गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल किशोर अरमाज को सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।